तो भाई जैसे ही फोर शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है 17 तारीख का, तो बच्चे जैसे ही आएंगे उनसे उन एग्ज़ाम का रिव्यू लेंगे। बच्चे आने लग रहे हैं, बस 2-4 बच्चे निकल गए बाहर और जो आएंगे उनसे पूछेंगे आने वाले में। टाइम पीरियड कम था पर टाइम की कमी रही, क्वेश्चन ईजी है लेकिन बस जो है कैलकुलेशन बड़ी बड़ी है मैथ की। अच्छा। उसके लिए टाइम चाहिए। अच्छा। और टाइम है नहीं, टाइम नहीं मैनेज कर पाए, प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस के हिसाब से जिनने रेगुलर प्रैक्टिस किया तो उसका तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई हल्की सी भी डील दे रहा हो तो क्वेश्चन ईजी है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी देर ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाओ क्वेश्चन सॉल्व। रीजनिंग का कुछ हार्ड क्वेश्चन है या नहीं? मेरे सेट में तो नहीं थे कोई रीजनिंग का हार्ड, बस हिस्ट्री से थे 4-5 क्वेश्चन थे। जीएसबी नॉर्मल थी, ज्यादा हार्ड नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन याद है कोई? क्वेश्चन तो मेरे को यार याद नहीं, लेकिन वहाँ पैसेज वगैरह थे जो मेरे, जैसे एक होली के ऊपर पैसेज आया हुआ था, उसके 8 क्वेश्चन थे उसमें। अच्छा। बस वही, बस सारा खेल टाइमिंग का है। अच्छा। और टाइम मैनेज करना जरूरी, टाइम मैनेज करना जरूरी है बस। तो भाई कैसा पेपर गया तुम्हारा ये बताओ भाई। और सेटों के मुकाबले जैसी हमें जानकारी मिली है, जीएस थोड़ी सी अच्छी आई है, मतलब इस वाले पेपर टफ की। हाँ मतलब जो मतलब अब तक हमने एनालिसिस देखा है। अच्छा। उसके हिसाब से मैथ के 3 से 4 सवाल अच्छे हैं टाइम टेकिंग। अच्छा। रीजनिंग में 2 से 3 सवाल छोड़ दिए जाए तो बाकी सब आसान है। अच्छा। हिंदी में भी 2 से 3 सवाल अच्छे आ रहे हैं, मतलब बाकी सब आसान है। मैंसुरेशन का 1 से 2 सवाल तक आ रहे हैं अपने में, 2 थे ना। षष्ठभुज बनवा रहा था, समबाहु त्रिभुज से तीन कोण कटवा के षट्भुज बनवा रहा था, फिर उसका आयतन मतलब क्षेत्रफल पूछ रहा था उसका। फिर थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हाँ, फॉर्मूला याद करके आओ और पेपर मैथ के निकाल के लेके जाओ आराम से। फॉर्मूला बेस्ड है सारे? हाँ, जो मैंसुरेशन वगैरह आ रही है वो सब फॉर्मूला बेस्ड आ रही है। 3D का 1 सवाल था, 2D का मैं तुम्हें अभी बता चुका हूँ वो वाला। और सब मतलब हिंदी में याद है, चाल गति से आ रहे हैं अच्छे अच्छे सवाल। हिंदी का ग्राफ अच्छा था आज, पूछ रखा था कि होली कौन से माह में आती है। अच्छा। ठीक है, मतलब हिंदी वाले से पूछ रखा था। जो उसमें भी रिपीट हो गया वो क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में था ना वो क्वेश्चन? नहीं नहीं, थर्ड शिफ्ट में आया होगा। नहीं है उसका, मुझे ग्राफ उसमें पूछ रखा गद्यांश में कि हिंदी कौन से माह में आती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। हाँ, यही पूछा था। जीएस में कोई क्वेश्चन? जीएस में हाँ, एशियन गेम रूपांतर चट्टान से पूछ रखा था कहीं कि इनमें से कौन सी नहीं है। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 किस देश में हुआ है? एशियाई किस देश में हुआ है? और जी एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया है? राज्यपाल की संवैधानिक शक्ति किस आर्टिकल में है? तो और बताओ, तुम भी बताओ कुछ खेल से संबंधित। हाँ, खेल संबंधित यही तो है, 2-3 सवाल बता दिया। ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी शायद 1 सवाल था, गायंत्र चट्टान पूछ रखी थी कौन सी इनमें से नहीं है। और साइंस से? साइंस से तो कोई सवाल शायद मुश्किल। साइंस का नारा जी कौन सा था? साइंस के सवाल शायद मुझे तो याद है नहीं, अगर कोई पंचवर्षीय योजना रखी इसमें, पंचवर्षीय योजना आई थी कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में बिजली और परिवहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। पंचवर्षीय योजना से तो लगभग हर साइड मारा है। और जनसंख्या से? जनसंख्या से इसमें नहीं था, जनगणना से नहीं था इसमें। हाँ नहीं, नहीं था। और तुम्हारे याद है कुछ? राज्यपाल लंबाड़ी वाला आया था नृत्य सॉरी उत्सव। अच्छा। और जी एक आया था सीमेंट की स्थापना, सीमेंट वगैरह से स्थापना पूछी थी उसका, कुछ ऐसे था सीमेंट का। और कोई क्वेश्चन याद हो? पहली पंचवर्षीय योजना मतलब वो आया था कि जो परियोजना पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य उद्देश्य हाँ जो मतलब सिंचाई वगैरह का बिजली वगैरह का कुछ ऐसे ऐसे था कुछ। तो कितने अटेम्प्ट किए भाई तुमने? जीएस में तो कुछ ऐसे हुए, मैं तो थोड़ी नहीं। टोटल कितने अटेम्प्ट किए? 56। अच्छा। बस 56 हो पाए। मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे पहले? मैं मॉक टेस्ट उसके लगाते थे रोजगार वाले WA का, WRE का। तो अब ये बताओ आप कहाँ से आए हुए, कितनी दूर से आए हुए? मोदीनगर के पास से। मोदीनगर से? तो अभी जाने का प्रोग्राम? नहीं भाई, अब तो अपने ताऊ जी के यहाँ रुकेंगे बस फिलहाल। हाँ हाँ भाई, प्रॉब्लम तो वही लोट मारेंगे बस। चलो हम ये क्या क्वेश्चन याद है आपको बताओ जो सर क्वेश्चन। तो सर जो आए थे ना 2018 के बेसिक पाए थे जो हुक्की का वर्ल्ड कप हुआ था करंट के। हाँ, किस देश ने वो करा था उसके ऊपर आए थे। और जो था करंट तो थोड़ा आसान से ही था, थोड़ा मैथ हार्ड था, थोड़ा टीम हार्ड जी। रीजनिंग भी नॉर्मल थी, कोई ऐसे ही था मतलब जो चीन वगैरह वाले क्वेश्चन थे। रीजनिंग में वैसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से लगे आपको उनको? ये ज्यादा क्वेश्चन चीन वाले ही थे शायद, दिशा दिशा दिखाने वाले क्वेश्चन। दर्पण वगैरह थे? हाँ जी, दर्पण वगैरह वाले। कथन निष्कर्ष? कथन निष्कर्ष के शायद 4-5 क्वेश्चन थे। अच्छा जी। और सीरीज से? हिंदी आसान थी, हिंदी आसान थी, जो हिंदी वाला उसके लिए हिंदी आसान थी।
और कोई आप देखा है पेपर? हाँ भाई, कोई क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन याद है भाई, हाँ बताओ कौन सा याद है? बता कौन सा पूछेगा तू, बताओ जी इसमें। जी एस मारा था भाई 2018 में, कौन से मुख्यमंत्री ने दोबारा शपथ ली? अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चन आए भाई बताओ कुछ? भैया क्वेश्चन तो बहुत जबरदस्त आए थे, मतलब पेपर ऐसा गया था फाड़ू। साइंस में कुछ याद है? साइंस में तो मैं जल्दी में हूँ तो भूल ही गया हूँ। जीएस में कोई क्वेश्चन? जीएस में आया था कि हिरेन कहाँ के राज्यपाल थे? अच्छा जी। और नृत्य वगैरह? नृत्य वगैरह ये वगैरह नहीं आया कुछ। नृत्य नहीं आया? जी सर नहीं आया। और जैसे कि करंट अफेयर से, खेल से? खेल से आया था कि G20 ऐसी कुछ साइज से आया था। ठीक है धन्यवाद। तो भाई क्या कौन क्या क्वेश्चन याद है आपको बताइए? जीएस में जो वो टाइप ब्रैकेट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं चेक चेक कर वो ज्यादा थे। अच्छा। और आकृति थी दो चार, आकृति नॉर्मल सी थी वो तो कर दी, लेकिन जीएस के जो क्वेश्चन थे कुछ रह गए और कुछ हो गए 80 में ऐसी समझो 60 प्लस कर दिए। हाँ बाकी दो एक टिक मार दिए अंदाज। नृत्य कौन सा पूछा गया? क्या नृत्य? नृत्य ये वाला